दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएम पिक्सल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा सीआईडी का जो सीज़न 2 था वो 2019 में आया ही नहीं, कई सारे न्यूज़ आए, कई सारे वीडियोस आए जिसमें ये बताया गया है कि सीआईडी का जो सीज़न 2 है वो 2019 में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दोस्तों, 2020 आ चुका है और सीआईडी का सीज़न 2 जो है वो इस साल आना कंफर्म है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ चुकी है, सीआईडी का सीज़न 2 जो है वो इसी साल आएगा और ये इसकी जो टाइमिंग है वो रहेगी रात 10 से 11 बजे तक। उसके बाद दोस्तों आप 11 बजे क्राइम पेट्रोल भी देख सकते हैं। 9 से 10 बजे तक दोस्तों कपिल शर्मा शो आएगा, जो कि अभी जैसे आता है वैसे ही, और सीआईडी का जो शो है वो 10 से 11 बजे तक आएगा। तो दोस्तों, आप इसमें सीआईडी के सीज़न 1 के पुराने सारे कलाकार को देख पाएंगे, एसीबी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, अभिजीत पूर्वी, सचिन, फेड्रिक्स, पंकज, इन सबको आपको देखने को मिलेगा सीआईडी के सीज़न 2 में भी। और इसमें आपको कई सारे लव स्टोरीज भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैं आपको बताने वाला हूँ सीआईडी के आने वाले एक एपिसोड के बारे में, जिसमें दोस्तों जो इंस्पेक्टर दया है वो श्रेया के सिर पर जो है वो बंदूक लगा देते हैं। और क्यों बंदूक लगाते हैं, इसके लिए इस एपिसोड को आपको देखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो बंदूक इंस्पेक्टर दया ने लगाया होगा श्रेया के सर पर, वो एक छलावा होगा, एक चाल होगा असली क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और किस तरह से इंस्पेक्टर दया जो है अपने मकसद में कामयाब होते हैं, यही आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले इस एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड के डिटेल के बारे में, मतलब इस एपिसोड में क्या होने वाला है, इसको जानना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट करिए। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, नीचे कॉमेंट ज़रूर करिए, मुझे आप सबके कॉमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।